भाईचारा, शांति, सद्भाव का महान पर्व दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाने को लेकर क्या कहना है जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी का, आइए सुनते हैं। मुहर्रम और दुर्गा पूजा के लिए सर क्या क्या विधि व्यवस्था बनाई जा रही है, किस तरीके का विधि व्यवस्था इस बार होगा? दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम दोनों ही प्रेम, भाईचारे, शांति और सद्भाव का महान पर्व है। इस अवसर पर शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी पूजा समिति के सदस्यों की बैठक की गई है और इसमें जिलाधिकारी ने कहा है कि हर हाल में ज़िले में पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो उन्हें विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले, सामाजिक तनाव पैदा करने वाले, अमन चैन भंग करने वाले तथा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर पीरो क्षेत्र में जो भी लाइसेंस हैं पूजा समिति के, वे सभी रद्द कर दिए गए हैं ताकि उन विशेष क्षेत्रों में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था कायम रहे। और साथ ही पूजा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया है मीटिंग के द्वारा कि वे सभी अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं तो ग्रुप में आवेदन कर दें और उसका रूट लाइन, जुलूस का रूट लाइन जो है उसका वेरिफिकेशन कर करके लाइसेंस दिए जाएंगे। और लाइसेंस किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाएंगे बल्कि ग्रुप को दिए जाएंगे। और जिलाधिकारी ने अपील की है कि पूजा के अवसर पर सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और हंसी खुशी और शांति सद्भाव के साथ लोग पर्व का आयोजन करें, बनाए रखें और